संविधान में आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप चंडीगढ़ के प्रशासक का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप दिल्ली के विधानसभा का और मंत्रिपरिषद का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप पुद्दुचेरी, यानी दो ही ऐसे राज्य थे, संघ शासित क्षेत्र थे जहां सरकारें थी, विधानसभा थी, तो संविधान में आप पुद्दुचेरी की विधानसभा, वहां की सरकार, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र पाएंगे। लेकिन संविधान में कहीं भी आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विधानसभा, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां के मंत्री कितने होंगे, या लद्दाख के बारे में वहां का प्रशासन कौन चलाएगा, कोई प्रावधान नहीं है। वो एक मामूली अधिनियम से चल रहा है जिसका नाम है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। संविधान विद्यार्थी हो, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज करता हूं और भारत के कानून मंत्री को कि इन्होंने इस प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया कि संविधान से ही उसको बाहर कर दिया। ये नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है, और दिखाते कुछ है, होता कुछ है। जिस तरह से 370 हटाने के 5 साल बाद हम चुनाव करा पा रहे हैं, तो क्या 370 जब था तब वहां ज्यादा लोकतंत्र नहीं था? सोचकर देखिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब 370 था तो वहां नियमित चुनाव हो जा रहा था, और 370 हट जाने पर वहां ऐसी कौन सी समस्या थी कि चुनाव 5 वर्ष तक रोकना पड़ा? आखिरकार 5-5.5 साल बाद जम्मू में चुनाव हो रहा है, धारा 370 हटने के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू था, या कहिए केंद्रीय सत्ता जो थी अपनी काम कर रही थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। आखिरकार आज जो है दूसरे चरण का चुनाव भी वहां हो गया। लेकिन आज हम इस विषय पर जो है चुनाव, धारा 370, सुप्रीम कोर्ट का रोल और बीजेपी की रणनीति, जम्मू कश्मीर की स्थिति, तमाम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं लॉजिकल इंडिया के पंकज त्रिपाठी जी, उनसे हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है, चुनाव को वो किस ढंग से देखते हैं, और धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है क्या उसको चुनौती दी जा सकती है, या फिर ये भी इसी एपिसोड में सवाल होगा, क्या सरकार के, केंद्र सरकार के बदलते चेहरे के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हमारे साथ देखते रहिए, जुड़ते रहिए, लाइव शेयर करते रहिए, कमेंट भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। चलिए सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव होने की तो खुशी है, लेकिन 2019 से जब से तथाकथित रूप से अनुच्छेद 370 हटाया गया, मैं तथाकथित क्यों बोल रहा हूं इस नाते नहीं कि मैं 370 हटाने का विरोधी हूं, उसके बाद जो परिस्थितियां हुई हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से 370 हटाने के 5 साल बाद हम चुनाव करा पा रहे हैं, तो क्या 370 जब था तब वहां ज्यादा लोकतंत्र नहीं था? सोचकर देखिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब 370 था तो वहां नियमित चुनाव हो जा रहा था, और 370 हट जाने पर वहां ऐसी कौन सी समस्या थी कि चुनाव 5 वर्ष तक रोकना पड़ा? 5 वर्ष तक। आप कहेंगे 5 वर्ष तक कैसे बीच में कोई चुनाव रुक गया होगा, क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ था, जी नहीं, विधानसभा डिजॉल्व हो गई, विधानसभा भंग थी, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ही समाप्त हो गया। तो जो 2019 के 370 के हटाने के पहले कोई चुनाव था, जो सरकार थी, उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो 5 अगस्त 2019 को संसद में जो पारित हुआ और जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया, वो कौन सा ऐसा फैसला था कि उसके चलते वहां चुनाव ही रुक गया? चुनाव रोकने की बात उसमें थी नहीं। हमारा निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या चल रहा है कि चुनाव नहीं करा पाया? भारत सरकार इतना लेट से चुनाव वहां क्यों करा रही है? क्योंकि वो संघ शासित इलाका है, तो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। तो इसका मतलब तो यह हुआ, अभी तक जो दिख रहा है कि जो लोग 370 हटाने की बात कर रहे थे और जिनसे जनता प्रभावित थी, उनके पक्ष में खड़ी थी,
वो 370 हटने का जो लोकतांत्रिक लाभ दिखा रहे थे, विगत 5 वर्षों में ठीक उसके उल्टे वो क्रियाकलाप किए हैं, या कि वहां होने लायक नहीं था जो नहीं कर पाए? अगर वो होने लायक था चुनाव वहां और नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने लोकतंत्र वहां क्यों कुचला, संविधान को क्यों अब तक बंद किया था? नहीं, देखिए अमरचंद जी, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, अधिवक्ता हूं, सच पूछा जाए तो मेरा सवाल अगर होगा तो सीधे सरकार से ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को हम चुनते हैं, कोई भी ये बचाव नहीं मिल सकता उनको कि सरकार में कोई भी हो वो तो हर सरकार को अपने नियंत्रण में रखना ही चाहेगा। जी नहीं, यही इन्हीं बातों का तो इन सरकार में बैठे नेताओं को लाभ मिलता है। यही बात निर्वाचन अधिकारी कह देगा कि ठीक है, तो हमारे लिए हम कहां आपके लिए जवाब दे हैं, चलिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे हैं, तो वहां जवाब ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जज कह देगा हम आपके लिए कहां जवाब दे हैं, संसद में, आप संसद में जवाब ले लीजिए। और फिर संसद में जब जाएंगे तो वहां वही सरकार मिलेगी जिसको आप पहले जवाब दे नहीं बनाए हैं। तो ऐसा कह करके और ऐसा मान कर हम लोग सरकार में बैठे उन चुने हुए अपने नेताओं को छूट देते हैं कि वो सब कुछ संविधान के खिलाफ जाकर अपने नियंत्रण में करें। बिल्कुल उनको हक नहीं है, वो संविधान की कसम खाकर बैठे हैं, वो संविधान की रक्षा करने की कसम खाकर बैठे हैं, संविधान के अनुसार आचरण करने की शपथ लिए हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे सभी सांसद हो। संसद में जो कानून पारित हुआ उसके मुताबिक वहां चुनाव कराने पर कहीं रोक नहीं थी। फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए सूचना क्यों नहीं जारी की निर्वाचन आयोग के जरिए? मैं आपको अमरचंद जी एक बात और बता दूं, चुनाव कराने की जिम्मेदारी केवल निर्वाचन आयोग की नहीं है। मैं इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट कोट करूंगा, नरेंद्र मोदी जी के ही दौर की, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जनता को ये सब बातें जाननी बहुत जरूरी है। जब 2001 में गुजरात में दंगा हुआ था, 2001 में ही इन्होंने अपनी विधानसभा भंग कर दी, जबकि कार्यकाल बहुत बचा हुआ था, उस सेंटीमेंट का लाभ लेने के लिए भंग किया, प्रदेश जल रहा था। उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जेएम लिंगदोह जी। जेएम लिंगदोह जी ने रिपोर्ट दी कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, वहां गोधरा कांड के बाद जो भयानक दंगा हुआ है उसके चलते वहां कई लाख लोगों के वोटर कार्ड गायब है, लोग विस्थापित है, भी चुनाव कराने की जगह वहां नहीं है, संभावना नहीं है। लेकिन गुजरात के गवर्नर ने, ध्यान दीजिए उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो एक तरफ तक कहते हैं कि राजतंत्र, राजा को राजतंत्र का ख्याल होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या कर रहे थे जरा ये भी हम लोग जान ले। ये नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है, और दिखाते कुछ है, होता कुछ है। तो उस समय जेएम लिंगदोह को राज्यपाल जो है गुजरात के राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी। अब सवाल ये था कि जब राज्यपाल अधिसूचना जारी कर दिया तो निर्वाचन आयोग क्या चुनाव कराने से मना कर सकता है? इस पर दो संवैधानिक संस्थाओं में टकराव के कारण से तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा परामर्श के लिए। जी, और उस परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन अधिसूचना जारी करने की शक्ति गवर्नर में है। अगर वो अधिसूचना जारी कर दिए कि चुनाव कराना है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये कश्मीर पर लागू होती है, सवाल हमारा निर्वाचन आयोग से ज्यादा हमारा सवाल होगा केंद्र सरकार पर, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर पर होगा, और सवाल वही बनता भी है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है इंद्री गुजरात इलेक्शन के मामले में कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, लेकिन चुनाव कराए कि न कराए ये निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को नहीं है। अधिसूचना जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपालों में है, जो संघ शासित क्षेत्र है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में है, जिसका प्रयोग वो अपनी सरकारों की सहमति से करेंगे। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि अधिसूचना की तिथि के बाद वो उतने समय के भीतर चुनाव करवा दे जितने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन आयोग यदि रिपोर्ट देता है कि वहां चुनाव करवाने लायक नहीं है, तो यह केंद्र सरकार के विचार का आधार बनता है कि वो 356 लगा करके वहां आगे सरकार आगे वहां पर जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए रखे। लेकिन उसकी समय सीमा भी अधिकतम 3 वर्ष है संविधान में, मतलब निर्वाचन आयोग भी कह देगा कि चुनाव नहीं कराने लायक है, तब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि संविधान में 3 वर्ष से आगे 356 लगने की बात ही नहीं है, मना है।
तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, मरचंद जी एक अधिवक्ता के नाते, संविधान प्रेमी के नाते, संविधान के विद्यार्थी के नाते, मेरा दिल रोज कचोटता है कि संविधान का खुल्लम खुल्ला विरोध वहां हो रहा है और हमारी संस्थाएं कर रही है, लोग नहीं कर रहे। हम वहां के लोगों पर तोहमत मरते हैं कि वो लोग संविधान से नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते, तिरंगे से प्यार नहीं करते। सच्ची बात यह है कि जो संविधान के जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, इन लोगों ने वहां 5 साल तक चुनाव नहीं करवाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कश्मीर में ऐसा क्या चल रहा है कि इनको चुनाव कराने में दिक्कत है। इलाका तो छोटा ही हो गया है, अब तो लेह लद्दाख बाहर है, कारगिल बाहर है, और उसी कश्मीर में पंचायत का भी चुनाव हुआ, उसी कश्मीर में लोकसभा का भी चुनाव हो गया। फिर वहां के विधानसभा के चुनाव में दिक्कत क्या थी? दरअसल ये संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों जिम्मेदार हैं। प्रकारांतर से हमारे राष्ट्रपति महोदय भी जिम्मेदार हैं। हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी उन पर आती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करती हैं, सरकार के कहने पर करती हैं, तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रोल को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिट गई थी तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अनुच्छेद 356 के लिए जो समय सीमा लगी है कि एक वर्ष से आगे अगर लगाना है, एक वर्ष से आगे, महज एक वर्ष, एक बार जब संसद पारित करती है तो 6 महीना ही रहता है 356, और जम्मू कश्मीर में 356 ही चल रहा है, तो एक बार में 6 महीना। कहा गया है कि 2 बार बढ़ाने के बाद, यानी एक वर्ष के आगे कहीं भी 356 का प्रयोग तभी किया जाएगा जबकि निर्वाचन आयोग ये रिपोर्ट दे दे कि वहां किसी ऐसी दुर्घटनापूर्ण अवस्था के कारण से, अनियंत्रित अवस्था के कारण से, चाहे वो बाढ़ भूकंप भी हो सकता है और हिंसाग्रस्त इलाका भी हो सकता है, वहां चुनाव कराना संभव नहीं है। जब निर्वाचन आयोग लिख कर देगा तब आप आगे 2 साल और चुनाव रोक सकते हैं, यानी कुल 3 साल। यहां तो निर्वाचन आयोग से कभी मांगा ही नहीं गया, निर्वाचन आयोग ने दिया ही नहीं, संसद ने 356 को आगे बढ़ाया ही नहीं। हर 6-6 महीने पर संसद को, दोनों सदनों को पारित करना होता है, नहीं बढ़ाया। मजाक चल रहा है। कोई कह देगा कि क्यों बढ़ाएंगे, वो तो संघ शासित प्रदेश हो गया, ये तो बात राज्य पर लागू होती है, तो संघ शासित प्रदेशों पर भी जाके कोई भाग 8 पढ़ ले भारत के संविधान का, वहां दिल्ली और पांडिचेरी में सरकार है, वहां यही व्यवस्था मिलेगी। अब एक और दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा इलाका है जिसको राज्य रहने नहीं दिया गया, यानी अब राज्य वाले प्रावधान जो भारत के संविधान में है उस पर लागू नहीं होंगे, कोई भी कह देगा। और संघ शासित प्रदेश बना दिए जाने के बावजूद भी जो उसको 370 हटाने के नाम पर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो बिना संविधान संशोधन के बनाया गया। इसलिए भारत के संविधान में, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के संविधान में, वर्तमान संविधान में, जम्मू कश्मीर की सरकार, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कोई प्रोविजन मिलेगा ही नहीं आपको, कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट से मुझे बहुत उम्मीद थी। जी, हमारी कस्टोडियन जो है, संविधान की कस्टोडियन, बिल्कुल, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट करे कि आप 370 हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से उस राज्य की हैसियत नहीं बदल सकते। 370 हटाना एक अलग बात है और किसी राज्य की हैसियत हटा देना, मिटा देना, बदल देना अलग बात है। जब आप उसकी हैसियत बदले, जैसे भारत के संविधान के भाग 8 में, आप मुझे थोड़ी सी अनुमति दे तो मैं दिखा दूं ला के संविधान, कि भारत के संविधान के भाग 8 में आपको दिल्ली के बारे में प्रावधान मिलेगा, पुद्दुचेरी के बारे में मिलेगा, आपको चंडीगढ़ के बारे में मिलेगा, दमन दीव के बारे में मिलेगा, अंडमान निकोबार के बारे में मिलेगा, लक्षद्वीप के बारे में मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं मिलेगा भाग 8 में। और भाग 8 का नाम है संघ शासित क्षेत्र। लद्दाख के बारे में कोई प्रोविजन मिलेगा ही नहीं। कोई अगर संविधान विद्यार्थी हो, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज करता हूं और भारत के कानून मंत्री को कि इन्होंने इस प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया कि संविधान से ही उसको बाहर कर दिया। संविधान के जरिए उसको और ज्यादा जोड़ना था, लेकिन आपने तो उसको सामान्य बहुमत से सब कुछ उसका खराब करके, कानून के जरिए खराब करके, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि आप संविधान संशोधन करके
अगर वो यही बात करते तो हम कहते कि उसको आपने एक इस रूप से हटा के इस रूप में बैठाया, लेकिन आपने तो संविधान में कहीं, संविधान में आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप चंडीगढ़ के प्रशासक का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप दिल्ली के विधानसभा का और मंत्रिपरिषद का जिक्र पाएंगे, संविधान में आप पुद्दुचेरी, यानी दो ही ऐसे राज्य थे, संघराज्य क्षेत्र थे जहां सरकारें थी, विधानसभा थी, तो संविधान में आप पुद्दुचेरी की विधानसभा, वहां की सरकार, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र पाएंगे। लेकिन संविधान में कहीं भी आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विधानसभा, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहां के मंत्री कितने होंगे, या लद्दाख के बारे में वहां का प्रशासन कौन चलाएगा, कोई प्रावधान नहीं है। वो एक मामूली अधिनियम से चल रहा है जिसका नाम है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। वहां का पूरा वो दो प्रदेश एक अधिनियम से चल रहा है, संसद के सामान्य बहुमत से, जो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और अमरचंद जी, मेरी ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात को आज तक कांग्रेस के नेता क्यों नहीं उठाए, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं उठाए, तेलुगु देशम पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि ये लोग जनता को कानून तक पहुंचने नहीं देना चाहते या जानते नहीं। दूसरी तरफ ये देखिए, शेष अन्य संघ शासित क्षेत्रों का यहाँ उल्लेख है, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। देखिए ये एक में लिख दिया गया है, क्यों? क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग था, और जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बनाने के बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया। देखिए उनका नाम यहाँ लिखा है अब पुद्दुचेरी, लेकिन कहीं भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम भाग 8 के संघ शासित क्षेत्रों में नहीं लिखा हुआ है। ये कहां मिलेगा आपको? ये अनुसूची एक में केवल मिलेगा। अनुसूची एक में इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उसमें सामान्य बहुमत से नाम संशोधन करके लिख दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये संघ शासित क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन दीव, पुद्दुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। यहां पे इस संविधान की अनुसूची एक में तो लिख दिया इन्होंने, लेकिन भाग 8 में जो संघ शासित क्षेत्र है, जिसमें व्यवस्था है सभी संघ शासित क्षेत्रों की, वहां केवल दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र है जहां कोई उल्लेख जिनका नहीं है। तो राज्य का उल्लेख जो था वहां से खत्म हो गए, और संघ शासित क्षेत्र के रूप में हो जाने के बाद भी उनके बारे में कोई प्रावधान संविधान में किया ही नहीं गया है। ये है दोयम दर्जे का व्यवहार। एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा गोलमाल है। लेकिन अब मैं एक दूसरा सवाल, और ये इतना बड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया? खुद से नहीं लेना था उनको, खुद से नहीं लेंगे, लेकिन जब रिट गई थी उनके पास, तो उनको इस व्यवस्था को संवैधानिक घोषित करना चाहिए था कि 370 जहां तक आप हटा रहे हैं। वैसे तो उसमें भी एक परेशानी थी कि आप वहां की विधानसभा भंग करके नहीं कर सकते, ठीक है, मान लिया उसको आपने कर दिया, राजनीतिक दबाव है, जनता का दबाव है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये करने की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन केवल डंडे के जोर पर अगर कराएंगे तो लोकतंत्र फेल हो जाएगा। लोग स्वयं से भागीदार होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वहां के लोगों को भी तो अधिकार मिलेगा। बिल्कुल जी। अब मैं आपसे ये चीज, ये सवाल जानना चाहता हूं, अगर आने वाले दिनों में, एक सप्ताह में ही, एक सप्ताह 10 दिन के अंदर जो है ये क्लियर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है, अगर बीजेपी लेड सरकार अगर वहां नहीं बन रही है, अगर वहां की विधानसभाओं के पास क्या ऐसी शक्तियां होंगी कि जो धारा 370 को चुनौती दे, या फिर आप जो बात सवाल उठा रहे हैं वो विधानसभा से उठ जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनना पड़े। अगर बीजेपी लेड सरकार बनती है तब तो इस तरह की बात उठेगी ही नहीं। अगर बीजेपी लेड सरकार नहीं बन रही नहीं। तो उनके पास उसका, मैं समझ गया अमरचंद जी, अमरचंद जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, और जनता भी समझ गई होगी, श्रोतागढ़ भी समझ गए होंगे कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या नई सरकार जो आएगी वो सरकार एक सरकार के रूप में अनुच्छेद 370 को चुनौती दे पाएगी? तो मेरा उत्तर होगा कि उसे सरकार के रूप में 370 को चुनौती देने का कोई हक नहीं। इसलिए नहीं हक है क्योंकि वो जो सरकार आएगी वो तो उसमें संशोधन करने वाले जो प्रावधान बने हैं कर देने के बाद, उन प्रावधानों से पैदा हुई है। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं उस प्रावधान को, तो वो उस हैसियत में तो कभी नहीं चुनौती दे पाए। हाँ, संविधान के उल्लंघन पर चुनौती कभी भी दी जा सकती है,
पीआईएल के जरिए कभी भी चुनौती दी जा सकती है और ये घोर उल्लंघन है संविधान का। और संभव है कि कभी जब केंद्र सरकार ऐसी आए कि जो संविधान में उसके माध्यम से हुई इस गलती को दूर करे, संविधान को सही करे, क्योंकि संविधान की गलती है। आप उस प्रदेश को संघ शासित क्यों बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो संघ शासित क्षेत्रों के बारे में जो संविधान में प्रावधान है, जहां सारे संघ शासित क्षेत्रों का नाम उनके बारे में व्यवस्था लिखी है, उस वहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप एक अलग कानून में क्यों लिख रहे हैं? ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसके लिए किसी सरकार में आने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार में जो आया है वो खुद अपनी सरकार को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि जो चुनौती होगी वो उस व्यवस्था को होगी, जिस व्यवस्था के तहत सरकार खुद बनेगी। तो इस नाते ये काम अभी भी जो पीआईएल करने वाले लोग हैं, लोग का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वे लोग कर सकते हैं। यानी एक भारत के नागरिक के रूप में कोई भी सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगा सकता है। ये अलग बात है कि चूंकि ये बहुत बड़े लेवल की राजनीतिक प्रभाव रखने वाली याचिका होगी तो मामूली लोगों की बात वहां सुनी ही नहीं जाएगी। शेष लोगों के बारे में क्या होगा ये जब याचिका होगी तभी देखा जाएगा। जी एक दूसरा सवाल, केंद्र और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, अगर देखा जाए जैसे जैसे जिस ढंग की सरकार रहती है तो सरकार के फैसले भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसी ढंग से होने लगते हैं, क्या ये आपको भी ऐसा ही लगता है एज ए एडवोकेट? जैसी केंद्र सरकार है जैसा उनका हमको लगता है इंदिरा गांधी जब सरकार में थी उस समय पीएन भगवती जी के फैसले, जबकि पीएन भगवती जी बहुत लोकप्रिय न्यायाधीश बाद में चलकर हुए, और जब हम लोग स्टूडेंट थे तो मैं व्यक्तिगत तौर से जस्टिस अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती को बहुत ही सम्मान देता था कि इन लोगों ने लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया है। पीएन भगवती साहब वो जज हैं जिन्होंने पीआईएल की छूट दी कि जनता जरूर एक वकील के ही जरिए आए, कोई चिट्ठी लिख करके भी बात उठा सकता है, तो मैं बहुत रिगार्ड करता था। लेकिन जब उसी पीएन भगवती जी के मैं उस समय के फैसले पढ़ा जब इंदिरा जी सत्ता में थी और जब वो एक तरह से आपातकाल की दशा चल रही थी, तो उनके सारे फैसले सरकार के पक्ष में थे और कुछ ऐसे फैसले भी थे जो फैसले सरकार के पक्ष में होना दर्शा रहे थे कि संविधान और कानून के पक्ष में नहीं है। तो हमें भी एक बात नहीं भूलनी है कि सरकार वो होती है जो जनता के लिए जवाबदेह होती है और न्यायाधीश वो होता है जो संसद में जवाबदेह होता है। समझिएगा, जब संसद उस सरकार को अपने साथ लेकर चलती है, लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि एक नई टेंडेंसी आ रही है कि हम जजों पे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। जजों को हमने नहीं चुना है, हमें नहीं भूलना है, न जज हमारे वोट से बने हैं, तो ये कह देने से कि जज क्यों नहीं सही कर रहा है, तो फिर लेखपाल क्यों नहीं सही कर रहा है, प्राइमरी कमांडर क्यों नहीं सही कर रहा है, जो ट्रेन में चलने वाला टीटीओ क्यों नहीं सही कर रहा, ये तो एक अपेक्षा है ना कि वो सही कर दे। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो लोगों का नियंत्रण है तंत्र पर वो कहां से है? वो है संसद से। सांसद जो हमने चुनकर भेजा उसी की जिम्मेदारी थी सरकार पर भी नियंत्रण रखने की, उसी की जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण रखने की। सरकार मामूली बहुमत से गिर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जज तो दो तिहाई बहुमत तक टिका रहेगा, दो तिहाई बहुमत से हटाया जाएगा, लेकिन वो भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी विसंगतियां की जा सकती हैं, उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अब एक नया तरीका निकाल दिया गया है, ट्रोलिंग करवा दी जाएगी। आप देखे होंगे जजेस को ट्रोल होते हुए, खूब ट्रोल किया जा रहा है। उन जज के पास कोई आर्मी नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, उनके निर्णयों को एग्जीक्यूट नहीं करती है सरकार, सरेआम हम लोग देख रहे हैं। तो इस नाते जो जजेज होते हैं वो भी अपने खुद की जिंदगी के लिए और खुद की चीजों के लिए सरकार पर आश्रित होते हैं। आपने देखा होगा कि पांच जज 2016 में बाहर निकले थे 16 या 17 में और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब उन पर तुरंत सवाल उठा देंगे कि वो भी जो है मिले हुए थे या वो डर रहे थे, लेकिन क्या कुछ कर पाए? तो ये भी देखना है कि संविधान में जो ताकत जिस पद को दी गई है, क्या वो ताकत सरकार जब पूर्ण बहुमत में होगी, पूर्ण बहुमत में, और जनता का मीडिया का उसको समर्थन दिखाई देगा, क्या तब भी वो न्यायाधीश या जिनको शक्ति दी गई वो काम कर पाएगा? जेएम लिंगदो साहब चीखते रह गए कि गुजरात में चुनाव कराने लायक नहीं है, जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी वहां शांति व्यवस्था बहाल रखना, वहां पहले हिंदू काटे गए बाद में मुसलमान काटे गए,
और वो चुनाव की फसल काट कर चुनाव जीत गया। सर जनता उस पर सवाल ही नहीं की। जेएम लिंगदो के घर तक पीछा होने लगा था, उनके ईसाई होने पर सवाल उठने लगा था। वो मेघालय से आने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन पर बहुत सवाल उठा, उन पर बहुत गालियां लिखी गई उस जमाने में। तो अभी तो एक व्यक्ति है ना, उसको समर्थन किसका है? पाकिस्तान की एक घटना याद दिलाऊंगा। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जब तख्ता पलट करके आए हैं तो जनता ने तख्ता पलट का स्वागत किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तख्ता पलट पर कुछ नहीं बोला। लेकिन वही परवेज मुशर्रफ जब धीरे 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 बदनाम हो गए समाज में, तो 2012 आते आते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले वकीलों ने, फिर न्यायाधीशों ने। पहले वकील सड़क पर उतरे, फिर न्यायाधीश, और देखते देखते परवेज मुशर्रफ गायब हो गए। लेकिन हम चाहे भले ये श्रेय ले लें जुडिशरी के एक मेंबर के नाते कि वकील जिनके पीछे पड़ते हैं उनको हटा देते हैं, नहीं, जनता जब नाखुश उनसे हो गई थी तब वकील बोलना शुरू किया, तब जजेज को पावर मिली। तो सबसे पहली जरूरत होती है मीडिया की। स्वतंत्र मीडिया जब होगी तो वो सही बात पहुंचा देगी जनता तक। इस समय की सबसे बड़ी समस्या, मैं इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को क्लीन चिट दे रहा, लेकिन लोकतंत्र के जो चीजें हैं भाई, वो मुर्गा का पंख खींचने वाला ही अगर दाना डाल रहा है और मुर्गा उसी के पीछे पीछे दौड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए? तो असली बात ये हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो करना था, जब रिट दाखिल हुई थी उनको करना चाहिए था। इस नाते मैं उनके निर्णय से असहमत हूं, सम्मान नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा, क्योंकि भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी अदालत के फैसले को मानना है, उसकी जिम्मेदारी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। धारा 370 जम्मू काश्मीर और चुनाव, तीनों पर आप देख रहे थे हमारा विशेष एपिसोड, और धारा 370 में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाए पंकज त्रिपाठी जी ने। अंबेडकर नामा और लॉजिकल इंडिया दोनों चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लॉजिकल इंडिया पर खास करके कानून संबंधी बातें जो होती है, संविधान संबंधी जो बातें होती है उस पर की जाती है, आप उस चैनल पर भी जाइए, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।